हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सनाउल्ला। स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एंटी टर्माइट के बारे में, मतलब दीमक के बारे में। दीमक से घर बनने के टाइम में क्या क्या परेशानियां आती हैं आपको डिटेल में बताएंगे, और इसका रेमेडीज मतलब कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको एंटी टर्माइट यूज़ करना है, हम ये सब आपको अभी बताएंगे। आप वीडियो के साथ देखिए, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर होल कर रहे हैं। ये होल मिनिमम इसका डया जो है 12 mm होना चाहिए। इसका डेप्थ जो है मिनिमम 500 mm डीप होना चाहिए, और इसका एक होल से दूसरा होल का स्पेस जो है मिनिमम 150 mm सेंटर टू सेंटर होना है, ठीक है दोस्तों। और एंटी टर्माइट जो है, 1 लीटर हम केमिकल ले रहे हैं तो इसमें हम 19 लीटर पानी डालना है, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो इसका है, 1 लीटर केमिकल को 19 लीटर जो है पानी डालना है। अभी आप देख रहे हैं ये होल कर रहे हैं। ऐसे होल हो जाने के बाद हम इसमें ये एंटी टर्माइट जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है, ये हम इसमें डालते जाएंगे। मतलब एक होल में हमने एटलीस्ट मिनिमम 5 to 7 लीटर लिक्विड हमको उसमें डालना है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो है हमने बहुत सारे ब्रांड आते हैं केमिकल लिक्विड जो एंटी टर्माइट है। अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वीरा, ये एक ब्रांड है जो हमने 1 लीटर का मंगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये सैम्पल है, अभी आप देखिए हमने 1 लीटर का जो है वीरा लिक्विड लिया हुआ है एंटी टर्माइट, हमने इसमें 19 लीटर पानी डाला हुआ है। अभी हम ये आपको देखो ये होल में हम डाल रहे हैं। ये मिनिमम इसका डया होना है 12 mm का, और इसका डीप जो होना है होल का 500 mm मिनिमम इसका डीप होना है, ठीक है। एटलीस्ट हम इसमें 5 लीटर to 7 लीटर तक लिक्विड जो है डालना है। ऐसे ही इसका मिनिमम स्पेस जो है होल का 150 mm सेंटर टू सेंटर होना है, मतलब एक होल से दूसरे होल को 150 mm गैप होना है। एंटी टर्माइट का प्रॉब्लम, मतलब दीमक का प्रॉब्लम जो है, टर्माइट का प्रॉब्लम विलेजेस एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिटी। देखिए हम भी ये विलेजेस में ही कर रहे हैं, एक विलेज में काम हो रहा है, यहाँ पे मैंने एंटी टर्माइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है एंटी टर्माइट यूज़ करने का बहुत फ़ायदा है, मतलब आप घर बनने के बाद भी इसका जो है ना कंट्रोल, पूरा कंसंट्रेशन अपने कंट्रोल में रहता है। मगर अगर विलेज एरिया इसमें क्या होता है कि हमने जैसे ही हमने PCC डाल दिया, खड्डा खोद लिया, मतलब पिट एक्सकेवेशन करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे प्लिंथ बीम डालते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ईंट से काम करते हैं। मगर ये दीमक जो है ईंट को भी खा जाता है, PCC को भी खा जाता है, मिट्टी को भी खा जाता है। आप अब घर हो जाने के बाद आप कुछ भी वुड वर्क कराएंगे तो वुड को भी खा जाते हैं। इसलिए घर होने के बाद मुश्किल होने से पहले आप अपने, ये बहुत कम रेट में मिल जाता है, आप तकरीबन ये 1 लीटर का 200 से 300 रुपये में मिल जाता है। ये लिक्विड का रेट जो है बहुत कम है, इसमें 1 लीटर का मिलता है, 2 लीटर का मिलता है, और 5 लीटर आपको जितने लीटर का चाहिए वो हिसाब से, मतलब आपका साइज एरिया, प्लॉट एरिया जितना है उस हिसाब से आप लिक्विड ले सकते हैं। 1 लीटर लिक्विड में 19 लीटर पानी ऐड करना है, यह कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आप पूरे घर में प्लिंथ बीम के पास। टर्माइट जो है कुछ भी खा जाता है, जैसे हम PCC डालने के पहले भी एंटी टर्माइट को डालना है। ये एंटी टर्माइट यूज़ करने का फ़ायदा बहुत है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए।